प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बीते 24 घंटों से उनकी सेहत में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ है। गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी को मधुमेह, किडनी की नली में संक्रमण, छाती में जकड़न, मूत्र नली में संक्रमण के बाद 11 जून को एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री को देखने के लिए एम्स में नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी रहे लालकृष्ण आडवाणी ने एम्स में जाकर उनकी सेहत की खबर ली। सुबह से ही अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर, विजय गोयल और अन्य कई नेता एम्स में मौजूद हैं। मुरली मनोहर जोशी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, पर्यावरण मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने एम्स में पहुंचकर प्रधानमंत्री का हाल जाना। पूर्व पीएम से मिलने के लिए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, शहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी एम्स पहुंचे। इनके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी एम्स पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और एनडीए के पहले सहयोगी रहे फारूक अब्दुल्ला ने भी एम्स जाकर उनकी सेहत की जानकारी ली। वहीं एम्स के बाहर वाजपेयी के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है, लिहाजा अस्पताल के भीतर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। एम्स के पास सभी छोटी दुकानों को हटा दिया गया है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है, गाड़ियों के अंदर आने जाने पर रोक लगा दी गई है और दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर के बाहर भी धारा 144 लगा दी गई है। न्यूज टाइम्स के लिए अमृता पांडे की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।